बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कोटा में 25 जून को किशोरपुरा थाना क्षेत्र के साजीदेड़ा से अपहरण हुई नव विवाहिता के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद दुल्हन के पिता की सदमे में मौत हो गई है। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मृतक के परिजन जमकर हंगामा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने शव को लेने से भी इनकार कर दिया है। साथ ही आरोपी मोनू पठान की गिरफ्तारी की मांग पर वो अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि आरोपी मोनू पठान पर पिस्तौल की नोक पर दुल्हन के अपहरण का मामला है। कौन? बेटी के गम से हुआ? वही रात को जो लड़की के साथ ले गया, उन लड़का भी लड़के के घर वाले भी आए थे सब, रात को चमका ले रात को कि हम उनको मार देंगे, ये वो लड़ाई करने आए थे, सुबह उठे तो हम टेंशन में थे। वो टेंशन हम आपको बता दें कि 25 जून को पिस्तौल की नोक पर मोनू पठान ने एक नवविवाहिता का अपहरण कर लिया था। किशोरपुरा थाना क्षेत्र के साजीदेड़ा का यह सारा मामला बताया जा रहा है और इस सदमे के कारण उस दुल्हन के पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मृत्यु के बाद में उनका शव मोर्चरी में रखा गया है, जिसे परिजनों ने लेने से मना कर दिया है। उनकी प्रमुख मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे उसके किए की सजा दी जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।